आज फंडा महाराजा भोग का होगा और मैंने एंट्री ले ली है महाराजा भोग के किचन में कि वो महाराजा भोग के आज के मेन्यू से एक डिश आपके लिए खास बनाने वाले हैं। उसका नाम है काठियावाड़ी उंधियो। चलिए शेफ शुरुआत करते हैं। ये मैडम तेल है। ऑयल जी। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, यानी कि तेल अच्छे से गरम कर लें। ये मैडम अजवाइन है। अजवाइन है। अजवाइन जी, इसमें अजवाइन डालेंगे। बिल्कुल। और अजवाइन तो हमारी हर होम मेकर के घर में होती है। अजवाइन के बाद जीरा। जीरा, जीरा मेरा फेवरेट है, आप भी जरूर डालिएगा अजवाइन और जीरा साथ में। ये मैडम लहसुन है। जी लहसुन है, फटाफट हमने लहसुन डाल दिया इसमें। ये लहसुन का पेस्ट बनाया आपने शेफ? ये पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, भून रहे हैं अच्छे से। अदरक लेंगे, अदरक का पेस्ट। ये है अदरक का पेस्ट। जी लेंगे मैडम हरा लहसुन। हरा लहसुन? हाँ, ग्रीन लहसुन। तो हरे लहसुन का पेस्ट आप बना लीजिए और उसको डालिए इस डिश में। ये मैंने मेन लहसुन, मिर्ची, हरा मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट। हरा मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची ऐसे भी डाल सकते हैं काट कर या? काट के नहीं मैडम, पेस्ट। पेस्ट डालिए। अखा वाला लाल मिर्ची, उसका पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे हम इस मसाले में। इसे कहते हैं कश्मीरी मिर्ची। ये देखिए शेफ ने गुड़ डाल दिया है ताकि आपको वो जो नमकीन टेस्ट है उसके बीच में एक मीठा पिंच भी मिले। शेफ ये क्या लेकर आए हैं आप? ये मैडम हल्दी है, लाल मिर्ची है। हाँ। और हींग साथ में मिला लिया तीनों। हल्दी है, लाल मिर्च है, हींग है, इसका प्रयोग आप कीजिए। और जिस तरह से मसाले भुने हैं शेफ सुरेंद्र आपने, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप वन ऑफ द बेस्ट शेफ। अभी मैडम थोड़ा सा गई देसी घी, और ये देसी घी को ऊपर डाल के भुना जा रहा है। तो मैडम पानी डालेंगे इसमें। पानी डालेंगे। ठीक। ये मैडम है टिंडोला। और ये मुठिया मैडम, ये आलू संभारिया, ये बैंगन है। बैंगन है। तो ये आपको, आपने सबको बॉयल करके रखा है शेफ? यस। चार अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हैं, तो चलिए शेफ डाल देते हैं। फ्राई किया हुआ है मुठिया को, बैंगन को, आलू को, साथ में टिंडिया को। ये मैडम कंद और रतालू है। कंद और रतालू, शकरकंद। क्या? कंद। कंद, कंद। तो ये हम डाल रहे हैं शकरकंद और कंद। और अब ये मैडम है सूरती पापड़ी है, और ये है वाल पापड़ी, ये डालेंगे हम। काफी अलग तरह से बनाई गई है, काफी अलग तरह के वेजिटेबल्स का प्रयोग इसमें हुआ है। नमक तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तो आप डाल सकते हैं नमक, आप भी डाल दीजिएगा स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिलाएंगे। ये मैडम खोपरा है नीला वाला, खोपरा खमन के पीस के उसको, खोपरा पिसा हुआ, और कोथमीर और उंधिया मसाला और शक्कर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो सब उसमें डाल के ये मसाला बनाया हुआ है। तो ये है उबले हुए ग्रीन पीस जो अब हम इसमें डाल रहे हैं ऊपर से। ये मैडम है ग्रीन पीस पिसा हुआ, उनका पेस्ट बनाइए और फिर से डालिए। चश्मे रेडी हो गया मैडम। आप अगर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि स्वीट होम ने आपकी मदद की है काठियावाड़ी उंधियो की रेसिपी बताने में।